टेस्टिंग ऑफ सबस्टैंडिव हाइपोथिस डिड्यूस्ड फ्रॉम थियोरी कलेक्शन ऑफ डेटा एंड ऑप्शन ए एन बी ठीक है तो हमारा जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि जो असली नेचर है साइंस का ठीक है ट्रू नेचर ऑफ साइंस ये हमें कैसे पता चलेगा ठीक है तो पहले हम क्या करते हैं ऑप्शंस एक बार वेरीफाई कर लेते हैं ठीक है तो इससे इजीली हो जाएगा तो पहला ऑप्शन क्या है डेवलपमेंट ऑफ थ्योरी देखिए एक थ्योरी अब दिया हुआ है तो उसका जब डेवलपमेंट होगा ठीक है तो हमें क्या होगा साइंस का असली नेचर पता चलेगा वहां पर कि उस थ्योरी में और कौन कौन से डेवलपमेंट रिक्वायर्ड है अकॉर्डिंग टू साइंस तो ये करेक्ट होगा फिर दूसरा देखते हैं टेस्टिंग ऑफ सबस्टैंटिव मतलब जो हाइपोथिस डिड्यूज हुआ है मतलब अभी भी proven नहीं है उसको टेस्ट करना जब आप एक हाइपोथेसिस को टेस्ट करेंगे तो आप उस थ्योरी के बिहाइंड का साइंस का ट्रू नेचर आपको पता चलेगा तो ये भी करेक्ट है फिर कलेक्शन ऑफ डेटा देखिए डेटा कलेक्शन कोई साइंस का नेचर का डेवलपमेंट तो नहीं है ठीक है ये एक प्रोसेस है ठीक है टुवर्ड्स एन uh, आप जब एक्सपेरिमेंट या कोई थियोरी uh, के लिए काम करते हो कलेक्शन ऑफ डेटा उसका एक प्रोसेस का पार्ट है ठीक है तो ये नहीं होगा तो हम हाँ ऑप्शन ए एंड बी तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए एंड बी फोर्थ ऑप्शन ऑप्शन ए एंड बी करेक्ट आंसर हो जाएगा थैंक यू क्लास सिक्स से लेके नीट आई आई टी जे मेन्स और एडवांस के लेवल तक स मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट या व्हाट्सअप कीजिए अपने डाउट्स आठ चार सौ चार सौ चार सौ पर